महाराष्ट्र के भंडारा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के जिला अस्पताल में देर रात 2 बजे आग लग गई। इसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। इनकी उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भंडारा अमान्य रुग्णालय में आपल्याकडे एसेंसिव युनिट आहे। त्या एसेंसिव युनिट मध्ये जवळपास इनबॉर्न मध्ये 7 आणि आउटबॉर्न मध्ये 10 असे गंभीर आजारांना न्यूबॉर्न बच्चू भरती होते। तर आज जवळपास 1:30 सिस्टर ड्युटीवर होती। सिस्टर ड्युटीवर असताना अचानक आउटबॉर्न मध्ये स्मोक झाला, त्याने पूर्ण धुरानं पूर्ण रूम बंद झाली ती। तर मग धावत धावत सिस्टर गेल्या, आत दरवाजा उघडला। त्यांनी जसा दरवाजा उघडला पूर्ण त्या धुराचा धूर त्यांच्या चेहऱ्यावर आला, त्याच्यामुळे त्यांना काही दिसलं नाही। लगेच त्यांनी फोन केला सिनियर ऑफिसरला, सगळे डॉक्टर आले, सिव्हिल सर्जन पण आले, मी स्वतः आलो, ACS आल्या, सगळेच आमचे डॉक्टर घटनास्थळी विदिन 5 मिनिटांमध्ये पोहोचले। त्याच्या ज्यांना जसं होते त्यांनी बच्चू काढले, आमच्या डॉक्टरांनी प्रयत्न करून बच्चू काढले, ते बाहेर काढले आणि मग लगेच 5 मिनिटांमध्ये फायर ब्रिगेडची गाडी आली। फायर ब्रिगेडच्या गाडीनी ती बाहेरूनच दरवाजा तोडून जे इनबॉर्नमध्ये जे बच्चू होते त्या 7 बच्चूंना त्यांना सुखरूप बाहेर काढले। पण आउटबॉर्नमध्ये जे असलेले बच्चूचे 10 बच्चू होते ते बच्चू आम्ही काही वाचवू शकलो नाही। आम्ही सगळं प्रयत्न केलं पण तरी आम्ही काही वाचवू शकलो नाही। आमचा पूर्ण स्टाफ तिथे हजर असून सुद्धा आम्ही वाचवू शकलो नाही त्यांना। तर त्याच्यामुळे हे जे 10 बच्चू आहे ते त्यांचा आम्ही नातेवाईकाकडे हे करू। नातेवाईकाकडे जानकारी के मुताबिक इस वॉर्ड में करीब 17 बच्चे थे। यहाँ नाजुक हालत वाले बच्चों को रखा जाता है। यूनिट से 7 बच्चों को बचा लिया गया है, वहीं 10 बच्चों की मौत हो गई। अति दुखद घटना है ये, जो घटना आज काल रात में 1:30 बजे के आसपास हुआ। और इस मैं जब आके देखा यहाँ पे तो पूरा मुझे पता चला कि इसमें स्फोट हुआ। स्फोट होने के बाद में धूल पूरा पसर गया, तो जहाँ पे वहाँ पे जो महिला थी, नर्स महिला थी, वो सब भागा भाग हो गए। मगर ये सब भागने के बजाय वहाँ पे जो भी हुआ वो पहले बच्चों को निकालना था। स्टाफ था ये NICU बोलो तो एकदम 24 तास 1-1 मिनट पे ध्यान देना पड़ता है कि क्या होता है बच्चों को, कैसा उसका रीडिंग क्या है, क्या होती है। ऐसे में अगर समझो वो स्पोर्ट हो जाता है धूल, एक मिनट में तो पूरा धूल जमा नहीं हो सकता ना। तो ये सब देखने में ऐसा लगता है कि मिसिंग हुआ है कुछ, तो भी हलगर्जीपना हुआ है। मैं मंत्री जी ने तो इस पर चौकसी की घोषणा की है, मैं भी TV पे देखा। मैं जरूर मुझसे चौकसी पे नहीं तो इनको सस्पेंड होना चाहिए। फिर CS हो, RMO हो और नर्स हो, इन पे सस्पेंड होना चाहिए। मैं तो जाके इससे आगे बोलूँगा कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसको पास करने वाला जो भी ऑफिसर है उनको भी सस्पेंड की होना चाहिए। और ये घटने पर तो भी महिला रुग्णालय को ज़्यादा से ज़्यादा निधि दे के तुरंत उसका काम कम्प्लीट हो। सर, इसके पहले भी ये शॉर्ट सर्किट हुआ था वहाँ पे।